गोश्त वाली जगह पे, तो यहाँ से अपने भाई को कहते हैं कि गोश्त हमें दे दें, ये चिकन है बल्कि। ब्रो द गिफ्ट में अभी तो या ब्रो द स्वाई किलो भी तो यहाँ, ये हमारा भाई है अली, तो ये बहुत प्यार मोहब्बत करता जब भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? एक और वीडियो में आपको वेलकम किया जाता है। और यहाँ पे सुबह से बारिश लगी हुई है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने नीचे स्वेटर पहनी हुई है, ऊपर जैकेट पहनी हुई है, और ये हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और सर्दी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो पहले तो जुम्मा मुबारक, तो चलते हैं जुम्मे के लिए मस्जिद में इंशाल्लाह। नमाज अदा कर दी है तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी मस्जिद है, बर्लिन की सबसे बड़ी मस्जिद है। जी बहुत जोर की भूख लगी हुई है, तो देखते हैं हमारे किचन में आज क्या बना हुआ है। और बाहर देखिए माशाल्लाह बारिश लगी हुई है सुबह से, ये देखें तो देखते हैं जी माशाल्लाह। पास्ता कीमे वाला माशाल्लाह सुभान अल्लाह। एक अलग से फरमाइश होती है, टमाटर और कीमा इनको चक्कियां लगाता है, तो उनके लिए ये व्हाइट सॉस पास्ता बना हुआ है और कुछ तो बगैर सॉस के ही है। पास्ता चेक करते हैं कि पास्ता कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने भी थोड़ा सा इस पे व्हाइट सॉस डाल दी है। माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब किस्म का बना और बहुत ही टेस्टी है। दुआ गो है कि अल्लाह करे हमारी टीम जीत जाए, लेकिन अब तक बहुत अच्छा खेल रहे हैं, स्कोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जीत जाएंगे। हमारा स्कोर हो गया 169 और 24 आवर और दो खिलाड़ी के नुकसान पे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करें और हमारी दुआएं तो साथ हैं ही हैं। कल वाली वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज धूप निकली हुई है और आसमान किसी जगह साफ़ है, किसी जगह बादल छाए हुए हैं, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है। और कल तो सारा दिन ही बारिश लगी रही है, रात तक बारिश लगी रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, ये मेरी गाड़ी की आवाज़ है, मैं आपको गाड़ी दिखाने लगा हूँ। तो ये बड़ा साथ देती है। अभी मैं जा रहा हूँ तुर्की शॉप पे, वहाँ से कुछ सामान लेना है, अगर ये ना हो फिर बड़ा मुश्किल उठाना, काफ़ी ज़्यादा भार बन जाता है। तो चलिए चलते हैं तुर्कियों की दुकान पर। ये भी ले लेते हैं, आज हमारे पास गाड़ी है तो चले जी। चने का भी ले लिए पूरा, योगर्ट भी ले लेते हैं, ये भी रख लेते हैं। गोश्त वाली जगह पे, तो यहाँ से अपने भाई को कहते हैं कि गोश्त हमें दे दें, ये चिकन है बल्कि। ब्रो द गिफ्ट में अभी तो या ब्रो द स्वाई किलो भी तो यहाँ, ये हमारा भाई है अली, तो ये बहुत प्यार मोहब्बत करता जब भी आते हैं। ये मुर्गी ले ली है अभी अली बलाज के लिए, ये वाले लेते हैं 20, ये वो खुशी से खाते हैं। थैंक यू सर। सामान हो गया हमारा डन। सामान इतना भारी है, तकरीबन कोई 25 से 26 किलो है। अगर ये मेरे पास गाड़ी ना होती रेडी, फिर तो मेरे कंधे टूट ही जाते हैं, क्योंकि ये देखें, क्योंकि माशाल्लाह 5-5 किलो तो आलू प्याज है, उसके अलावा 12 बोतलें हैं चनों की, और छोटी छोटी चीज़ें करके तकरीबन ये 25-26 किलो बन जाता है। तकरीबन यूरोप में हर बंदे के पास ही आपको मिलेंगे, वहाँ किसी ने गाड़ी रखी हुई है या नहीं रखी हुई, क्योंकि
ये काफ़ी इसमें सामान आ जाता है, वैसे तो बड़ा मुश्किल है। मैं आपको कीमतें दिखाता हूँ कि कीमतें कितने की हैं। अच्छा, जो ये देखें, जो हमारे आलू आए हैं वो हैं 3.49 मीन पाकिस्तानी, तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ कि अब तो 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो जाए, 3.5 यूरो के मीन 1000 रुपए के, और प्याज 5 यूरो का, तकरीबन 1500 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। और ये एक बोतल चनों की, ये तकरीबन है 540 ग्राम, तो ये 99 सेंट की, तो ये तकरीबन बन जाते 300 रुपये की एक बोतल है ये वाली। और ये सलामी 249 इसमें पड़ी होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तकरीबन 10 सलामियाँ हैं, तो ये पड़ी है जी, तो ये तकरीबन बनते हैं 750 रुपया। का मकसद ये था कि काफ़ी मेरे बहन भाई मुझसे पूछते हैं कि कीमतों के बारे में, कि ये कितने की कितने के नहीं है। प्याज जैसे मैंने पहले भी बताया, ये 5-5 किलो का है, और ये 2.5 लीटर की एक बोतल है, ये तकरीबन 2 यूरो की है, और ये योगर्ट, ये एक बाल्टी जो है ये 1.5 यूरो की है जी। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा व्यू है शाम का इस टाइम, मैंने कहा आपको भी दिखाया जाए साथ। तो ये हमारी लाइटें भी ऑन हो गई हैं, सोलर वाली, तो देखते हैं हमारे किचन में आज क्या बन रहा है। किचन में आज माशाल्लाह, जो दिन को मैं चिकन लेके आया था वो बन रहा है, तो साथ इसके सब्ज़ मिर्चें, आ हा हा, और इसके नीचे आलू भी पड़े हुए हैं। तो अभी इसको चेंज करते हैं, इसकी साइड जो है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी चिकन हो गई रेडी माशाल्लाह, कितनी प्यारी नज़र आ रही है, अब इसको खाते हैं और टेस्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी चिकन हो गई रेडी, तो इसको अभी खाते हैं, चेक करते हैं कि कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, लगाते हैं थोड़ी सी चटनी। गरम है माशाल्लाह, बड़ी जूसी बनी है और बहुत ही टेस्टी है, मज़े की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।